जब ये घटना हुई थी तो इसमें जो भी इंजर्ड थे तत्काल इनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया था, उसमें दो लोग की तो तत्काल मृत्यु की पुष्टि हो गई थी। इसमें जो जो इसमें अदनान और अरमान नाम के जो बच्चे थे, साथ ही साथ इसमें तीन लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिसमें थर्ड की भी मृत्यु हो गई थी। दो लोग चूँकि सांस नली में उनके जैसे डॉक्टर से भी बात हुई है, स्मोक ज़्यादा भरने के कारण क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन अब उनको कंट्रोल में आने के बाद तत्काल जो है इनको कोरोनेशन हमारा जो वहाँ पर हॉस्पिटल है देहरादून में वहाँ रिफ़र कर दिया गया है। अभी दो लोग लाइफ मतलब सेविंग में है, मतलब उनकी लाइफ अभी थ्रेट से थोड़ा बाहर है। तो तीन लोग की इसमें पुष्टि डॉक्टर द्वारा अभी कर दी गई है, दो लोग को रिफ़र कर दिया गया है। साथ ही साथ जो इसका ओनर था जो जिंदल करके आलोक जिंदल करके उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया और इसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारी जाँच टीम पहुँच चुकी है यहाँ पर, फोरेंसिक की टीम पहुँच चुकी है और हमारे जो फायर सर्विस के एक्सपर्ट हैं CFO वगैरह वो भी पहुंच चुके हैं। किन कारणों से लगी, क्या परिस्थितियां थी, कैसे एक गोदाम खुला यहां पर, इस सभी बिंदुओं पर इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया है। शाम तक इसमें कुछ घंटों में ही सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये मात्र एक दुर्घटना थी। किस कारणों से घटित हुई इसके लिए अभी थोड़ी देर में ही फोरेंसिक टीम द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। सब जो बच्चे घायल हैं उनके नाम वगैरह कुछ? इसमें जो दो लोग जो इसमें घायल हैं, इसमें इनका नाम है सूरज और नीरज, ये ढंडेरा के रहने वाले हैं और एक रामनगर का है, और इनको रिफ़र किया गया और इसमें एक की क्रिटिकल हालत थी, लेकिन जो डॉक्टर साहब से बात होने के बाद बताया गया कि इनको जो फर्स्ट एड दिया गया था उससे काफ़ी रिलीफ हुआ और कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ पर काम करते थे या फिर ग्राहक? ये थोड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय, जाँच का विषय है कि वो काम करते थे कि यहाँ किसी कारणों से कुछ सामान खरीदने आए थे, ये भी चीज़ें अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे। कच्चा माल इतने दिनों से बन रहा था तो खुफिया विभाग कहाँ था पुलिस का? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कुछ लैप्सेस होंगी और इस पर क्या शिकायत इसमें यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा, जो स्थानीय लोग द्वारा क्या शिकायत की गई समय समय पर, ये भी जानकारी की जा रही है उनसे, क्या उन्होंने शिकायत करी कि नहीं करी, और करी थी तो कब करी, उस पर क्या पुलिस ने जांच करी और किस स्तर पर लापरवाही पाई गई, सभी चीज़ें आज स्पष्ट हो जाएगी। जो हमारी फायर ब्रिगेड है उनके पे तत्काल पहुंचकर उन्होंने आग को काबू पा लिया। इसमें जो पता चला है कि पांच लोग थे, जिनमें से तीन की, पांचों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, लेकिन जैसे बताया गया कि तीन की संभवतः मृत्यु हो गई है और दो थोड़े गंभीर घायल हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें देखेंगे क्या इसमें किस वजह से ये रहा है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें मौके टाइम टाइम पे हम ये कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आगे भी हम इसमें प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। गोदाम में आग बुझाने का उपकरण भी नहीं है? जी जी, जो जो भी है तो ये अगर इलीगल था तो इसमें प्रॉपर कार्रवाई।